बहुत सारे लोगों का एक सवाल था कि क्या मनीषा रानी इवेक्ट हो जाएंगी, तो ये आपको बता दूं कि मनीषा रानी इवेक्ट नहीं हो रही हैं, बल्कि सीधे सीधे फिनाले में जा रही हैं। और साथ ही साथ एक और न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूं, तो ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। आपको बता दूँ कि मनीषा रानी एक ऐसी कंटेस्टेंट जिनको इस शो में टारगेट किया गया, डिफेम किया गया, तोड़ने की कोशिश की गई, गलत दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी मनीषा जो है वो तस से मस नहीं हुई। और यही चीज़ थी जो उनको एक परफेक्ट बिग बॉस कंटेस्टेंट बनाती है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो उन्होंने बिग बॉस ना सिर्फ दिमाग से खेला बल्कि दिल से खेला और हर एक चीज़ में अपना 100% दिया, फिर चाहे वो एंटरटेनमेंट हो या फाइट हो, हर चीज़ उन्होंने दिल से की और हर चीज़ उनकी रियल लगी। तभी तो शायद जहां पर बिग बॉस और मेकर्स को मनीषा की गलतियां ही गलतियां दिखाई दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ जनता जो है वो मनीषा की सिर्फ अच्छी बातें ही देख पा रही थी। और फिलहाल अगर देखा जाए तो बहुत कोशिश करने के बाद भी मेकर्स और बिग बॉस दोनों ही नाकामयाब हुए हैं और मनीषा रानी फिनाले में जा रही हैं। आपको बता दूँ कि अभी जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो ये है कि फिनाले वीक के लिए डांस प्रैक्टिस जो है वो शुरू हो चुकी है। एक हफ्ते दूर फिनाले है और ये बिग बॉस के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि फिनाले जो है वो मंडे को होगा, यानी कि 14th of August 9 बजे। अब देखने वाली बात है, मैं आपको बता दूं कि मनीषा किसके साथ डांस करने वाली है, ये बहुत ज़्यादा सवाल आपके मन में होगा। तो आपको बता दूं कि मनीषा का जो डांस परफॉर्मेंस है वो एल्विश के साथ तय किया गया है और समथिंग रिलेटेड टू चुम्मा, क्योंकि मनीषा हर बार ये चीज़ कहती रहती है, एक तो चुम्मा दे दो। तो ये शायद उसी का कॉन्सेप्ट लेकर एल्विश के साथ उनका डांस परफॉर्मेंस बिठाया गया है रिलेटेड टू चुम्मा, या हो सकता है कि चुम्मा सॉन्ग पे हो। तो इस डांस परफॉर्मेंस के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इस न्यूज़ पर आप कितने ज़्यादा खुश हैं कि मनीषा रानी जो है उनको बिग बॉस नहीं निकाल पा रहे हैं, फेल हो चुके हैं बुरी तरीके से, हमें ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।